हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास टेंथ के लिए है। चैप्टर टू हम यहाँ पे कर रहे थे और ये ट्वेल्थ क्लास है चैप्टर टू की। इससे पहले मैं 11 क्लासेस प्रोवाइड करा चुकी हूँ चैप्टर टू की, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक प्लेलिस्ट का आपको चैप्टर टू का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस एज यू नो चैप्टर वन भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, तो चैप्टर वन की अगर वीडियोस नहीं देखी आपने, वो क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं, तो चैप्टर वन की वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ठीक है। तो फर्स्ट भी हमने पहले कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया था, और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फोर्थ क्वेश्चन किया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया था। देखो किस टाइप का क्वेश्चन है ये, कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है, ठीक है। इफ टू ऑफ इट जीरोज आर, टू जीरोज इसने हमें क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक फाइव रूट फाइव बाय थ्री, एक माइनस रूट फाइव बाय थ्री है। तो देखो पहली बात, इसकी डिग्री 4 है, तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, इसके कितने शून्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 इसने दे रखे, इसने बोला सारे निकालो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप करोगे ही खुद, क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल करवाऊंगी ऑब्वियसली, जैसे मैं करवाती हूँ हमेशा। तो इंस्टीड ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल 2x पावर 4 -3x³ -3x² +6x -2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। क्या बोल रहा है ये, कि ये जो बहुपद है जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है, ठीक है, घात कितनी है, 4, इसके सारे शून्य ज्ञात करो, जब इसके 2 शून्य हमें इसने ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, पॉलिनोमियल ये है आपका और ये 2 जीरोज इसने हमें दे रखे हैं, ओके। देखो ये था हमारा पॉलिनोमियल, इसने बोला इसके 2 जीरोज √2 -√2, ओके। अब ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये क्वेश्चन ना आता ही आता है एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपके एग्जाम्स में, जब आपके एग्जाम होंगे, जब भी फर्स्ट टर्म के फाइनल टर्म के, ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। तो देखो इसने 2 जीरोज दिए हुए हैं। अब जीरोज क्या होता है, हमें पता है एक्स की वैल्यूज होता है, ये √2 -√2, तो हमें पता है एक जीरो तो है हमारा, एक्स की वैल्यू कितनी √2, और एक एक्स की वैल्यू कितनी है -√2, ये है भाई हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम इस √2 को इधर ले आए, एक्स इज इक्वल टू √2 है, तो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा भाई, और इक्वल टू में, सॉरी दोबारा लिखते हैं इसको, एक्स ये +√2 है, क्या हो जाएगा -√2, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा जब हम इसको इधर ले आए तो 0, ओके। ऐसे इसको करो, एक्स ये -√2 क्या हो जाएगा +√2, और इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास 0, ओके। अभी देखो एक्स -√2 x+√2 दोनों इक्वल टू 0 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स -√2 x+√2 0। ऐसा हम करते भी थे ना जब ये दोनों साथ में होते थे, तो हम इनको अलग अलग करते थे, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो अभी अलग अलग है, इनको हमने साथ में लिख दिया। अब देखो क्या करना है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व अगर ये अलग अलग होते तो हम कर भी लेते, सॉल्व जैसे भी करना होता है। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, फिर इससे इसको करो, इसको करो, ठीक है, फिर जो आता है उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बन रहा है आपका, देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इतना ही फर्क है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, पता है भी हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो सेम यहाँ पे भी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या है यहाँ पे हमारा, एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है, √2, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। ये है भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है, √2 का स्क्वायर। हमेशा नहीं लगता ये फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इसलिए हमने कर दिया, ठीक। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हुआ क्या, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि 12 है, ठीक है, इसके दो फैक्टर मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूं, कि इसके दो फैक्टर है 2 और 3, आप मुझे इसका तीसरा फैक्टर निकाल के बताओ, या जितने भी इसके बाकी फैक्टर वो निकाल के बताओ, ठीक है। 12 था, इसके मैंने कुछ फैक्टर्स दे दिए आपको, मैं बोल रही हूँ इसके बाकी के फैक्टर्स निकाल के बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आपको पता है आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, अच्छा, और इससे फिर इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो हमें पता चल जाएगा जब ये 6 आया, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करा, जो फैक्टर आपको गिवन था ना उनको मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को डिवाइड किया, फिर वहां से जो आपका आंसर निकल के आया वो ही क्या था हमारा, जो भी फैक्टर था उसका वो था, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे है देखो, दो जीरोस गिवन थे हमें, हमने फैक्टर बनाया उनको, क्या बनाया फैक्टर, ठीक है। फिर उन दोनों फैक्टर को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, जैसे टू और थ्री को किया, अब इन दोनों फैक्टर को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये निकल के आया, ये इसका एक फैक्टर बन गया। जैसे टू और थ्री को मल्टीप्लाई करके सिक्स एक्स फैक्टर बनाना, सिक्स एक फैक्टर बन गया इसका, ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस टू इस पॉलिनोमियल का एक क्या बन गया फैक्टर बन गया। ओके, अब इस फैक्टर से हमने क्या करा, इसको डिवाइड किया ना, तो सिंपली इस फैक्टर से इसको आप क्या कर दो, इस पॉलिनोमियल को क्या कर दो डिवाइड कर दो, कर देते भाई यहाँ पे इसको डिवाइड। देखो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक मिनट, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस टू से, राइट। तो करो भाई डिवाइड, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, टू एक्स की पावर फोर आ जाए, तो टू नहीं है यहाँ पे, टू से, फिर यहाँ पावर टू है, यहाँ पावर फोर है, तो एक्स स्क्वायर से, राइट। तो ये आ गया टू एक्स की पावर फोर, माइनस टू को भी इससे करोगे तो क्या आएगा, टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे तो एक्स क्यूब के नीचे नहीं रख सकते, एक्स स्क्वायर के नीचे रखना पड़ेगा, है ना। तो टू टू जा फोर और यहाँ माइनस है, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर, अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस थ्री एक्स क्यूब, प्लस माइनस क्या होता है भाई माइनस, है ना, फोर में से थ्री एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, फोर अब किसका हो गया प्लस का। आई थिंक अब सबको अच्छे से डिवाइड करना आ गया हो, क्योंकि पिछली दो तीन वीडियो में मैं अच्छे से डिवाइड करना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक। अब जो बचा हुआ है उसको नोट कर लो, ये हमने नोट कर लेते क्योंकि ये बड़ा था, इससे फिर इसको सॉल्व किया, ये अब क्या बचा हमारे पास सिक्स एक्स माइनस टू। ओके, अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस थ्री एक्स क्यूब आ जाए, तो सबसे पहले तो माइनस थ्री ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं है यहाँ पे हमारे पास, फिर यहाँ पावर कितनी है टू और यहाँ पावर कितनी है थ्री, तो एक एक्स भी ले लिया हमने साथ में, तो ये क्या आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस थ्री एक्स क्यूब। अब माइनस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करो भाई, माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जा सिक्स और साथ में क्या है एक्स, तो स्क्वायर के नीचे तो नहीं रख सकते, इसके नीचे रखना पड़ेगा हमें, तो ये क्या आ गया प्लस का सिक्स एक्स प्लस माइनस, है ना, ये क्या हो गया कैंसिल। इसको आगे सॉल्व करोगे तो पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया माइनस टू। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर ही आ जाए, ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, है ना। तो जब जो होता है वही चाहिए होता है तो हम किससे करते हैं वन से करते हैं, किससे करते हैं वन से, अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम माइनस वन ले लेते, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को वन से करोगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस टू को भी तो इससे करना पड़ेगा, माइनस टू को वन से करोगे क्या आएगा माइनस टू, अब साइन चेंज करोगे ये माइनस का और ये प्लस का, अब ये भी कैंसिल हो गया और माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया जीरो। इस केस में रिमाइंडर हमेशा जीरो ही आएगा, अदरवाइज आप गलत कर दोगे, ठीक है, समझ में आ रही बात, रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा जीरो ही आएगा, अगर नहीं आ रहा जीरो दैट मीन्स आपने कुछ गलत किया। क्यों जीरो आएगा भाई, फैक्टर था ना ये, फैक्टर का मतलब क्या है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा पॉलिनोमियल, राइट। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा जीरो, दैट मीन्स हमने सही किया है इसको। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमारा एक फैक्टर निकल के आया था टू, तो टू के तो आगे फैक्टर नहीं कर सकते, तो हमें पता है कि ट्वेल्व के ये दो फैक्टर है और एक फैक्टर और है टू, लेकिन यहाँ पे जो हमारा निकल के आया है नेक्स्ट फैक्टर वो निकल के आया है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसको अभी हम और तोड़ सकते हैं, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं। तो सिंपली जो भी आपको जो फैक्टर हमने बनाया था उससे डिवाइड करके जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और इसके जीरोस फाइंड कर लो, क्योंकि हमें दो जीरोस तो इसके पता थे ना, बाकी दो जीरोस हमें निकालने थे इसके, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फैक्टर निकल के आ रहा है हमारा इसका, उसके जीरोस फाइंड कर लो, वही क्या है इसके जीरोस है। इसको एग्जांपल से समझो, अगर मैं बोलती आपको ट्वेल्व का एक फैक्टर मैं दे रही हूँ आपको टू, इसके बाकी के फैक्टर निकालो, ठीक है। तो अब टू से इसको डिवाइड करते, आप देखते सिक्स आया, क्या आया सिक्स आया, लेकिन सिक्स को भी तो मैं आगे तोड़ सकती हूँ ना टू इंटू थ्री में, तो इसके बाकी के फैक्टर क्या निकल के आते टू और थ्री, राइट। तो ऐसे ये एक हमारा फैक्टर निकल गया, लेकिन मुझे पता है हम इसको भी आगे तोड़ सकते हैं अभी, तो इसको देखो अभी इसके जीरोस हमें फाइंड करने हैं, तो इक्वल टू में क्या पुट करना पड़ेगा जीरो, ये कहां से लिया हमने, जो क्वेश्चन आया था हमारा यहाँ पे वो, ठीक है। अब जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे ना जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड, वही सिंपल यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, टू एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा प्लस वन एज इट इज आ जाएगा और इक्वल टू में जीरो। अब थ्री एक्स को तोड़ना है हमें, थ्री एक्स को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर क्या आए माइनस का थ्री एक्स ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आए हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा टू इंटू वन
यानी कि 2x² है। 2x² को 1 से करके देखेंगे क्या आ रहा है, 2x², तो इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि माइनस प्लस करने पर क्या आए, माइनस का 3x, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 2x². तो सोचो भाई क्या आएगा, देखो 2 और 1, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, लेकिन ये प्लस और 2 एक कम 2 ही आता है, ठीक है भाई, लेकिन ये क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा और हमें चाहिए माइनस का 3। तो अगर हम इनको दोनों को माइनस का ले लें, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, जो कि हमें चाहिए। ओके, तो हमें क्या लेना है, माइनस 2 एंड माइनस 1, तो माइनस 2x और माइनस x, क्योंकि 1x का मतलब क्या है, 1x का मतलब क्या है, x ही होता है इसका मतलब भाई, तो 1x लिखो या x लिखो एक ही बात, तो हमें दोनों को किसका लेना था, माइनस का। ओके, अब पेयरिंग करते थे भाई हम यहाँ पे ऐसे, अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो x तो हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा और साथ में यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो निकाल लिया भाई कॉमन, अंदर क्या बच गया, यहाँ से x माइनस, ये पूरा बाहर आ गया, तो कितना बच गया, 1। अब देखो x माइनस 1 यहाँ भी है और x और 1 यहाँ भी है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो यहाँ से पहले तो माइनस कॉमन आएगा, और जब कुछ कॉमन नहीं आता तो कितना कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, तो माइनस बाहर लिया है, तो ये देखो माइनस का था, अब किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर हम माइनस कॉमन ही निकालेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम आना चाहिए ना यहाँ पे, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास यहाँ पे, 0। तो ये दो बार आ रहा है इसको एक बार, और ये अलग अलग आ रहे हैं इनको एक साथ, इक्वल टू में 0। तो दोनों को 0 के इक्वल पुट करोगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ से भाई, 1, माइनस का 1 था, प्लस का हो गया, ठीक। और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 1 है, प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ गया, डिवाइड में, ये हमारी निकल के आई क्या, x की वैल्यू। हमें क्या फाइंड करने थे, इसके सारे जीरोस, तो आप लिखोगे ऑल दी जीरोस ऑफ क्या था पॉलीनोमियल, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 आर, दो तो हमें पता ही थे, रूट 2 माइनस रूट 2, कॉमन लगा के एक आया हमारा 1 और एक आया हमारा 1/2। तो आप लिखोगे कि बहुपद, ये जो बहुपद है इसके सभी शून्य के, रूट 2 माइनस रूट 2 1 एंड 1/2। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये एग्जांपल था, तो आप अच्छे से मैच कर सकते हो हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे लेकिन रूट में दिए हुए हैं हमें जीरोस, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है हमें जीरोस, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप इसको खुद से कर लोगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 3 है उसमें हमें क्या दिया हुआ, ये पॉलीनोमियल दिया हुआ है, इसके दो जीरोस दिए हुए हैं ना, जीरोस क्या होती है, एक्स की वैल्यू। तो क्या है जीरोस, √5/3 माइनस √5/3। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को अभी एग्जांपल को सॉल्व किया था वैसे ही करना है, ये प्लस का है, एक्स के साथ आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल टू में क्या हो गया, 0। ये माइनस का है, एक्स के साथ आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और इक्वल टू में 0। अब इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस √5/3 एक्स प्लस √5/3 और इक्वल टू में 0, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस, तो ए क्या है, एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ओके, इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो हमारा फैक्टर बन रहा था इससे हमने क्या किया था, इस पॉलीनोमियल को डिवाइड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। कैसे, अब ये 5/3 है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर हर बार आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो एलसीएम यहीं पे ले लो, और एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का 3, ये हो जाएगा आपका 3x², एलसीएम आया 3 और ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस में क्या है 5, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, तो ऊपर वाला ही आ जाएगा भाई इक्वल टू में 0। अब ये हो गया आपका 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में है ना, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 0 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0। अब ये बन गया आपका फैक्टर, अब इससे 3x² माइनस 5 से इसको डिवाइड करो, ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे करते ना यहीं पे तो थोड़ी गलती होने के चांसेस होते हैं, अब इससे करो इसको डिवाइड और आपका डेफिनेटली आंसर आएगा, ओके। तो अब आगे वैसे ही करना जैसे हमने किया था, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर जो है फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।